दिस इज सदफ खान। आज मैं आपको बताऊंगी चाइनीज चिकन फ्राइड राइस बनाने की रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। उबले हुए चावल 400 ग्राम, मटर 1 कप, मुर्गी का सीना 2 अदद, शिमला मिर्च 1 कप, मशरूम 1 कप, अंडे 8 अदद, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, डार्क सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, हरी प्याज 8 अदद, जैतून का तेल या मक्खन हस्बे जरूरत, काली मिर्च हस्बे जायका, नमक हस्बे जायका। चाइनीज चिकन फ्राइड राइस बनाने की तरकीब नोट कीजिए। सबसे पहले चिकन को उबालकर रेशे कर लें। अब अंडों में हरी प्याज और नमक शामिल करके फेंट लें। एक खुले पैन में तेल डालकर हल्का गरम करें और मशरूम डालकर फ्राई कर लें। अब चिकन शामिल करें और फ्राई करें, साथ ही डार्क सोया सॉस, चिकन पाउडर और अंडे शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। इन सब को मिक्स करते जाएं और मिर्च डाल दें। आखिर में चावल भी मिक्स कर लें। फिर इसको 10 से 15 मिनट तक दम पे लगा दें। जब ये तैयार हो जाए तो गर्मा गर्म चिकन चाइनीज फ्राइड राइस पेश कीजिए।